मेरे प्यारे सापतियों, चलिए हम लोग सब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। और वैसे भी 17 में क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? खतरा। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे, बाय करे, सेल करे, होल्ड करे, क्या करे। टू कंपनीज ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड पेड अ डिविडेंड ऑफ 3.5 पर शेयर। बोथ आर एंटिसिपेटिंग दैट डिविडेंड शैल ग्रो 8%। द बीटा ऑफ ए लिमिटेड बी लिमिटेड इज दिस दिस। द यील्ड ऑन जीओआई बॉन्ड इज 7% विच इज आरएफ एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट स्टॉक मार्केट इंडेक्स शैल इंक्रीज एट एन एनुअल रेट ऑफ 13%। दिस इज रिटर्न ऑन मार्केट। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ बोथ कंपनीज। Why there is a difference in the value of shares of two companies? If current market price share of A and B is this this, as an investor, what course of action should be followed? तो आइए चलिए सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। CAPM मॉडल। तो CAPM मॉडल में अपने क्या देखे थे? RE इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, वेर बीटा इज नोन एज द सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क मतलब जिसको पोर्टफोलियो में आने के बाद भी हम लोग हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग तीन कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स, दूसरा बनेगा ए लिमिटेड और फिर बनेगा बी लिमिटेड, ठीक है। तो चलिए एक नया कलर का पेन, हाँ से हम लोग पढ़ेंगे अभी, एकदम आराम आराम से करेंगे भगवान का नाम लेते हुए। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल CAPM वाला, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल CAPM वाला हम लोग कैसे निकालेंगे, थोड़ा प्लीज मेरे को गाइड करना। 7% प्लस बीटा कितना है ए का? 0.95 इंटू आर एम माइनस आर एफ, ठीक है। तो ये मेरा कितना आ जा रहा है? तो ये मेरा आ रहा है 12.70%। इसको हम लोग बोलते हैं डिफेंसिव स्टॉक। जब हम लोग का जो बीटा है, जब हम लोग का बीटा लेस देन वन होगा तो हम लोग बोलेंगे डिफेंसिव स्टॉक, और जब हम लोग का बीटा ग्रेटर देन वन होगा तो हम लोग बोलेंगे एग्रेसिव स्टॉक्स, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में इसका निकालिए, 7 प्लस 1.42, 13 माइनस 7, तो ये हम लोग का निकल के आ रहा है 15.52%, ठीक है। तो ये हम लोग निकाल दिया। इसके बाद में इंट्रेंसिक वैल्यू जो लोग निकालते नहीं है, D1 by RE minus G, उससे पहले निकालेंगे तभी ना बता पाएंगे कि यार अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है कि ठीक है, ठीक है। डिविडेंड कितना है? 3.5, तो दिस इज D0। अब डिविडेंड का ग्रोथ रेट हमें दे दिया है 8%। डिविडेंड का हम लोगों को ग्रोथ रेट दे दिया है 8%। अब इसको डिवाइड करना है मेरे को 0.127 माइनस ग्रोथ रेट। सिमिलरली यहां पर भी करेंगे हम लोग 3.5 × 1.08 डिवाइडेड बाय 0.1552 माइनस 0.08। तो ये मेरा IV आ जाएगा दोनों का। प्लीज ये दोनों कैलकुलेट करना, IV कितना आ रहा है? IV आ रहा है इसका 80.43। इसका आ रहा है 80.43 और इसका आएगा 50.27। अब हम लोग बताते हैं हम लोग का एक्चुअल में मार्केट प्राइस कितना है। एक्चुअल मार्केट प्राइस हम लोग को दे दिया है 74 एंड 55।
ठीक है, तो अब हम लोग का जो डिसीशन होगा 80 पॉइंट, देखिए बात सुनिएगा, 80 पॉइंट, एक मिनट, हल्का ये हैंग कर रहा है। हाँ, 80.43 का सामान 74 में मिल रहा है, मतलब सस्ता मिल रहा है। 50.27 का सामान 55 में मिल रहा है, मतलब महंगा मिल रहा है। ठीक है, जो सस्ता मिल रहा है उसको बाय कर लो और जो महंगा मिल रहा है उसको सेल कर दो। ठीक है, जो महंगा मिल रहा है उसको सेल कर दो। देखो अभी ये कितना में मिल रहा है, 55 में। मार्केट जब अपने आप को क्लेंज करेगा तो इसका दाम कितना हो जाएगा, 50.27, तब जाके मैं इसको बाय कर लूंगा। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट करना, शॉर्ट सेल करना। शेयर है नहीं लेकिन फिर भी बेच दिया, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड। तो अंडर वैल्यूड शेयर्स को बाय करते हैं एंड ओवर वैल्यूड शेयर्स को सेल करते हैं। तो जो शेयर ओवर वैल्यूड है उसको सेल करिए और फिर जब उसका करेक्ट प्राइस, इसका करेक्ट प्राइस जो कि है 50.27, जब ये 50.27 आ जाएगा तब इसको बाय कर लीजिएगा। तो अल्टीमेटली आपने क्या किया, 55 पे सेल किया और 50.27 पे बाय किया। क्लियर? तो दिस इज द कोर्स ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले आप लोग निकालिएगा इंट्रेंसिक वैल्यू जो होना चाहिए एंड एक्चुअल मार्केट प्राइसेस को कंपेयर करेंगे हम लोग। तो ये है सम नंबर 17, देख लीजिए इसको, इसको देख लीजिए आप लोग, सब सब लोग इसको देख लो। आइए चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है, हेडिंग लगा देना, ऐसे हेडिंग लगा लगा के पढ़ने से क्या होता है, आराम होता है पढ़ने में, रिवीजन करने में। ये जो सम है इसको बोलते हैं रेसिडुअल अप्रोच। रेसिडुअल अप्रोच का मतलब क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट है वो कर दो और जो बैलेंस बच गया है वो डिविडेंड दे दो। ठीक है, इसको बोलते हैं रेसिडुअल अप्रोच। इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। द कैपिटल ऑफ ब्रह्मा मिनरल्स इज मेड अप ऑफ 10 करोड़ इक्विटी कैपिटल, 3 करोड़, सॉरी रुपीज 10 इक्विटी कैपिटल, 3 करोड़। ठीक है, मतलब एक शेयर का जो फेस वैल्यू है वो 10 है एंड 3 करोड़ का मेरे पास इक्विटी कैपिटल है, मतलब कितना शेयर्स हो गया, 3 करोड़ डिवाइडेड बाई 10 विच इज 30 लैक्स। रिजर्व्स है 15 करोड़ का एक्सक्लूडिंग अर्निंग्स फॉर द ईयर। 12% का मेरे पास डेट है, 10 करोड़ का 15% का डेट है 2 करोड़ का, मतलब मेरा टोटल डेट कितना हो गया, 12 करोड़ का। ईपीएस फॉर द ईयर इज 20। द कंपनी फॉलोज रेसिडुअल अप्रोच फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। रिक्वायर्ड क्या क्या है, देखो एक्सटेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर द कंपनी कैन इनकर विदाउट रेजिंग एडिशनल इक्विटी। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन अंडर रेसिडुअल अप्रोच ये बाद में करेंगे, पहले नंबर वन करते हैं। लिखना, हेडिंग लगाओ मैक्सिमम कैपेक्स, आप लोग पूरा लिखोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज मेरा क्लियर है।
तो यहां पर मैं हेडिंग लगाता हूं पर्टिकुलर्स, यहां पर मैं हेडिंग लगाता हूं पर्टिकुलर्स, और यहां पर रुपीस, पर्टिकुलर्स और रुपीस। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? सबसे पहले तो मेरे को ये बता दीजिए आप लोग, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 3 करोड़ बाय 10, विच इज, एक मिनट, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 30 लैक्स। ये रुपीज नहीं है यहां पर, बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स 30 लैक्स। इसके बाद में ईपीएस मेरे को दिया है 20, ठीक है? तो मेरा जो टोटल अर्निंग्स है वो कितना का है? 20 × 30 लैक्स, 20 × 30 लैक्स, तो ये कितना आ जाएगा? 600 लैक्स। 600 लैक्स मतलब 6 करोड़ का मेरा टोटल अर्निंग्स है। मैंने क्या बोला कि रेसिडुअल अप्रोच का मतलब क्या होता है, आपको अगर कोई भी टाइप का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करना हो तो आप क्या करिए, आपका जितना अर्निंग्स है, जैसे मेरा यहाँ पर 6 करोड़ का अर्निंग्स है, मेरे को 6 करोड़ का कैपेक्स करना है तो मैं पूरा इसमें लगा दूंगा, और उसके बाद मेरे पास कुछ बैलेंस नहीं बच रहा तो मैं डिविडेंड नहीं दूंगा। अगर मेरे को 5 करोड़ लगाना है तो मैं 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करूंगा और 1 करोड़ का डिविडेंड बांट दूंगा। इसको बोलते हैं रेसिडुअल, जो बच गया इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसको डिविडेंड के फॉर्म में दे देना, इसको बोलते हैं रेसिडुअल अप्रोच, ठीक है? तो मेरा टोटल अर्निंग्स जो है वो कितना है? 6 करोड़ का। देयरफॉर मैक्सिमम कैपेक्स विदाउट रेजिंग फर्दर इक्विटी इज इक्वल टू 6 करोड़, ठीक है ना? तो ये हम लोग का पहला वाला पार्ट हो गया, इसको देख लीजिए आप लोग। इसके बाद में एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन अंडर रेसिडुअल अप्रोच इफ देर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 5.5 करोड़ विदाउट अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, विदाउट बॉदरिंग अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? डेट इक्विटी। अगर मेरे को कैपिटल स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल मान लो डेट इज टू इक्विटी 1:1 है, तो मेरे को उसको बिना चेंज किए हुए एक बार करके दिखाना है, और अगर उसको चेंज करेंगे तो क्या होगा? तो 2 बार करेंगे, ठीक है? और अभी कैपेक्स कितना बोल रहा है? 5.5 करोड़ का। इन टू अबव व्हाट विल बी द डिविडेंड पर शेयर इफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 8 करोड़। तो टोटल में 4 केस हो गया, जब कैपेक्स 5.5 करोड़ का है तो कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करो मत करो, और जब कैपेक्स 8 करोड़ का है तो कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करो मत करो। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 5.5 करोड़ में, या फिर ऐसे करो, कैपिटल स्ट्रक्चर को बिना चेंज किए हुए, 5.5 करोड़ में क्या होगा, 8 करोड़ में क्या होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करते हुए 5.5 करोड़ में क्या होगा और 8 करोड़ में क्या होगा, ठीक है? तो आइए चलिए हम लोग इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो मेरे को कैपिटल स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा कि कितना डेट है और कितना इक्विटी है, ठीक है? तो चलिए इस सब को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2, पार्ट 2, सबसे पहले हेडिंग लगाना एग्जिस्टिंग कैपिटल, सॉरी कैपेक्स लिख दिया मैंने, कैपेक्स नहीं होगा, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर होगा ये, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? तो सबसे पहले इक्विटी, मेरा 3 करोड़ का कैपिटल है और 15 करोड़ का मेरा रिजर्व्स है। इस साल के अर्निंग को एक बार रखो साइड में, अभी तक का कैपिटल स्ट्रक्चर बताओ, बिकॉज इस साल का अर्निंग्स का क्या होगा वो अभी मेरे को पता नहीं है कि उससे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है। एक बार उस साल का अर्निंग को छोड़ते हुए कैपिटल स्ट्रक्चर में निकाल रहा हूं, ठीक है? तो 3 + 15 कितना हो गया? 18 करोड़ हो गया,
ये मेरा क्या है, इक्विटी। इसके बाद में डेट, डेट है मेरा 10 और 2, तो 12 करोड़ का मेरा क्या हो गया, डेट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 60% और ये हो गया मेरा 40%। तो ये मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर है कि मेरा जितना भी पैसा उठाया हुआ है उसमें 60% इक्विटी के थ्रू उठाया हुआ है एंड 40% डेट के थ्रू उठाया हुआ है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ये चीज़? ओके, अब इसके बाद में हम लोग कॉलम्स में करेंगे कि चारों केस में क्या क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले हेडिंग लगाना, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअल में ना ये पार्ट 2 एंड 3 कंबाइंड है, पार्ट 2 एंड 3 दोनों का ही सोल्यूशन बना रहा हूं ना, बिकॉज 8 करोड़ को भी उसी में कर दूंगा। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिजायर्ड कैपेक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिजायर्ड कैपेक्स। अब यहां पर लिखना कैपिटल स्ट्रक्चर। मैं आपको, इसके अंदर 5 कॉलम बनेगा लेकिन ब्रॉड मेरे 3 कॉलम बनेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं शुड रिमेन इंटैक्ट, और एक बनेगा नीड नॉट रिमेन इंटैक्ट। पहले वाले में क्या बोला, शुड रिमेन इंटैक्ट, फिर बोला नीड नॉट रिमेन इंटैक्ट। मतलब एक में कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है 60:40 का, और एक में कैपिटल स्ट्रक्चर को नहीं भी मेंटेन करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, नीड नॉट रिमेन इंटैक्ट। अब इसके अंदर से 2 कॉलम निकलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हारा सबसे पहले तो आ जाएगा 550 लाख, फिर आ जाएगा 800 लाख। पहले आएगा 550 लाख, फिर आ जाएगा, एक मिनट, फिर आ जाएगा मेरा 800 लाख, फिर आएगा 550 लाख, और फिर आएगा मेरा 800 लाख। ठीक है, बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर का मेरे को 2 लेवल्स दिया हुआ है। अब अर्निंग्स फॉर ईयर, तो इस साल का मेरा अर्निंग्स कितना है, 600, 600, 600, 600। अर्निंग तो सब में ही सेम रहेगा। उसके बाद में लेस अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर कैपेक्स। अब एक चीज समझना, अगर मेरे को कैपिटल स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखना है तो मैं अर्निंग से सिर्फ 60% लूंगा, समझा बात को, और बाकी 40% डेट के थ्रू मैं उठाऊंगा, क्योंकि मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे।
इस केस में क्या होगा, इट विल बी जितना मेरे को मान लो इन्वेस्ट करना है, जैसे 550 मेरे को इन्वेस्ट करना है, तो इसका 60% तो क्या होगा, इक्विटी के थ्रू मतलब अर्निंग्स के थ्रू जाएगा, और यहाँ पर मेरे को कितना करना है 800, तो इसका 800 का 60% तुम्हारा अर्निंग्स के थ्रू जाएगा, तो यहाँ पर तो मेरा आ जाएगा 330, और यहाँ पर मेरा आ जाएगा 480, ठीक है। अब मान लो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद में जो मेरा बैलेंस बच रहा है उसको हम डिविडेंड की तरह दे देंगे, जो मेरा बैलेंस बच रहा है उसको हम डिविडेंड की तरह दे देंगे, तो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, 600 में से 270 बच रहा है मेरे पास में, 270 बच रहा है, क्योंकि 600 में से 330 तो मैंने एक्सपेंडिचर लगा दिया कैपिटल वाला, और यहां पर 600 में से 480 मतलब 120 मेरा डिविडेंड के लिए बच रहा है। अब देखना, अब इस केस में क्या बोल रहा है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते एक मिनट। अब यहां पर मेरा जो डिविडेंड पर शेयर है वो कितना आएगा प्लीज मेरे को बताना, डिविडेंड पर शेयर के लिए 270 को मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा 30 से, बिकॉज 30 लाख शेयर थे, तो यहां पर मेरा आ जाएगा 9, और यहां पर 120 को मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा 30 से, तो यहां पर मेरा आ जाएगा 4 पर शेयर, ठीक है। अब देखें ना, अगर मान लो इंटैक्ट नहीं रहता है, अगर मान लो मेरे को इंटैक्ट नहीं रखना है, तो पूरा का पूरा अर्निंग्स को मैं यूटिलाइज कर लूंगा, तो पूरा का पूरा अर्निंग्स को मैं यूटिलाइज कर लूंगा फॉर माय कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अर्निंग्स को अगर मेरे को यूटिलाइज करना है तो यहां पर मैं यूटिलाइज करूंगा 550 को, तो इसके बाद में भी मेरे पास 50 बचेगा, करेक्ट, इसके बाद में भी मेरे पास 50 बचेगा, तो उस 50 को फिर मेरे को 30 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास आएगा 1.67। अब यहां पर मेरा अर्निंग है 600, लेकिन मेरे को करना कितना है 800 का इन्वेस्टमेंट, तो मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है, अगर मान लो 800 मतलब कितना हो गया, ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो गया ना, तो पूरा का पूरा अर्निंग को मैं यूटिलाइज कर लूंगा, मतलब कितना तक यूज कर सकता हूं, 600 तक मैं यूज कर सकता हूं, तो यहां पर कितना बच जाएगा मेरा, निल, तो मेरा यहां पर कोई डिविडेंड नहीं आएगा, कोई डीपीएस नहीं आएगा, दिस इज द थिंग। समझ में आ रहा है, देख लो इसको आराम से एक बार, इसके बाद एक नोट लिखवा दे रहा हूं तुम लोग को, ताकि तुम लोग को बहुत ईजी हो जाएगा। नोट में लिखो, इफ द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड रिमेन इंटैक्ट, इफ द कैपिटल स्ट्रक्चर, इफ द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड रिमेन इंटैक्ट कॉमा कैपेक्स विल बी फंडेड, कैपेक्स विल बी फंडेड बाय इक्विटी, कैपेक्स विल बी फंडेड बाय इक्विटी ओनली टू द ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ
only to the extent of equity ratio. Only to the extent of equity ratio. तभी तो मेरा maintain होगा ना. Like जो जैसे यहां पर equity ratio कितना है, जैसे यहां पर मेरा जो equity ratio है वो कितना है, 60% है. तो 60% मैंने इक्विटी के थ्रू रेस किया एंड जो बैलेंस 40% है टू बी रेज्ड बाय डेट. बैलेंस 40% टू बी रेज्ड बाय डेट. अब इस केस में जैसे यहां पर मैंने 600 का 600 अर्निंग्स पूरा यूज कर लिया, अभी भी तो और 200 बचा है ना. अब वो कंपनी के ऊपर में कि कंपनी इक्विटी के थ्रू रेस करेगा कि कंपनी डेट के थ्रू रेस करेगा, वो कंपनी के ऊपर में. बिकॉज अब क्या लिखा है, कैपिटल स्ट्रक्चर नीड नॉट रिमेन इंटैक्ट. तो जो कंपनी के लिए चीपर होगा, बेटर होगा, कंपनी वो यूज करेगा. अगर नीड नॉट रिमेन इंटैक्ट है तो अपना माथा लगाने का कोई वो नहीं है. लेकिन अगर इंटैक्ट रहेगा तो अर्निंग्स को खाली 60% यूज करेंगे और जो बैलेंस होगा वो डेट के थ्रू रेस करेंगे. और यहां पर जो मेरा रेसिड्यू बच रहा है, जैसे 600 का मेरा जो अर्निंग था, अगर आप लोग देखो तो मेरा जैसे यहां पर 600 का जो अर्निंग था, तो ये जो 600 का मेरा अर्निंग है इसमें से 330 तो माइनस हो गया, 330 तो माइनस हो गया, तो बचा कितना मेरा 270. तो इसको मैंने क्या किया, डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. इसको मैंने क्या किया, डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ठीक है, तो एक बार आप लोग सब इसको देख लीजिए. तो रेसिडुअल अप्रोच क्या बोलता है कि जो इन्वेस्टमेंट करना है वो कर लीजिए अर्निंग से और फिर बैलेंस को डिविडेंड की तरह दे दीजिए. अगर कैपिटल स्ट्रक्चर को इंटैक्ट नहीं रखना है तब तो फिर अपना सब झमेला ही खत्म हो गया, तब तो फिर अपने सारे प्रॉब्लम सब सॉल्व. ठीक है, इस सम को देख लो आप लोग एक बार, इस सम को आप लोग सब लोग देख लीजिए. जैसे हम लोग सबको पता है कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, बट एक नोट मैं लिखवा दे रहा हूँ स्टॉक स्प्लिट में, बिकॉज वो हमारे सिलेबस में है. तो लिखिएगा नोट्स ऑन स्टॉक स्प्लिट, नोट्स ऑन स्टॉक स्प्लिट लिखना. इसको बुलेट फॉर्म में लिखवा रहा हूँ, बुलेट नंबर वन. मैं डिक्टेट कराऊंगा, मैं लिखूंगा नहीं, आप लिख लो.
Stock split represents, be fast, stock split represents reduction in the face value of shares. Stock split represents reduction in the face value of shares. ठीक है, इसके बाद बुलेट नंबर टू लिखना है, ऐसे एग्जाम्पल, बुलेट नंबर टू में लिखना है एग्जाम्पल. अ रुपीज 100 शेयर, अ रुपीज 100 शेयर इज स्प्लिट, अ रुपीज 100 शेयर इज स्प्लिट इंटू 10 शेयर्स ऑफ 10 ईच, इंटू 10 शेयर्स ऑफ 10 ईच, फुल स्टॉप. दिस इज कॉल्ड एज 10 for 1 स्टॉक स्प्लिट. दिस इज कॉल्ड एज 10 for 1 स्टॉक स्प्लिट. दिस इज कॉल्ड एज 10 for 1 स्टॉक स्प्लिट. दैट इज 10 शेयर्स आर गिवन फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड. दैट इज 10 शेयर्स आर गिवन फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड. 10 शेयर्स आर गिवन फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड. ठीक है, अब बुलेट नंबर 3 लिखना. लिखना टूल यूज्ड बाय, टूल यूज्ड बाय कॉर्पोरेट्स, टूल यूज्ड बाय कॉर्पोरेट्स टू रेगुलेट द प्राइसेस ऑफ शेयर्स, टूल यूज्ड बाय कॉर्पोरेट्स टू रेगुलेट द प्राइसेस ऑफ शेयर्स. इसके बाद लिखना इंक्रीज्ड ट्रेडेबिलिटी ऑफ शेयर, इंक्रीज्ड ट्रेडेबिलिटी, ट्रेड एबिलिटी, ये ई है, ट्रेड एबिलिटी ऑफ शेयर्स. फिर लिखना makes the shares affordable to small investors, makes the shares affordable to small investors. फिर लिखना additional expenditure. जैसे ये 3 पॉइंट जो था, ये 3 पॉइंट था मेरिट्स. ठीक है, ये 3 पॉइंट्स था मेरिट्स. एंड अब जो मैं 2 पॉइंट लिखवाऊंगा, ये हम लोग का है डीमेरिट्स. ठीक है, लिखो एडिशनल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ स्टॉक स्प्लिट. एडिशनल एक्सपेंडिचर is incurred in the process of stock split. इसके बाद low share price may attract speculators. मतलब जो लोग फाटका करते, मतलब basically मैं बोल रहा हूं ना शेयर बढ़ेगा, तू ले, उसको बोलते हैं स्पेक्यूलेशन. यू हैव अ प्राइस बिलीफ कि प्राइस या तो नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, इसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड डालते हैं, उसको बोलते हैं स्पेक्यूलेशन. लो शेयर प्राइस में अट्रैक्ट स्पेक्यूलेटर्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स में अट्रैक्ट स्पेक्यूलेटर्स
स्पेक्यूलेटर्स में अट्रैक्ट स्पेक्यूलेटर्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स विच आर जनरली नॉट प्रेफर्ड बाय द कंपनी विच आर जनरली नॉट प्रेफर्ड बाय द कंपनी विच आर जनरली नॉट प्रेफर्ड बाय द कंपनी विच आर जनरली नॉट प्रेफर्ड बाय द कंपनी। ठीक है, तो ये था स्टॉक स्प्लिट, ये दिया हुआ था, बोल के अपन कर लिए इसको। अब एक और सम मैं करा देता हूं आप लोग को, जो कि है मिक्स्ड डिविडेंड पॉलिसीज पे एक मिक्स सम मैं आपको करा देता हूं। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, पढ़ते हैं। चंद्रा लिमिटेड हैज एन ऑल कॉमन इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, इट हैज 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 2 पार वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू। व्हेन चंद्रास फाउंडर हु वाज आल्सो इट्स रिसर्च डायरेक्टर एंड मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर रिटायर्ड अनएक्सपेक्टेडली टू द साउथ पैसिफिक इन लेट 2016, चंद्रा लिमिटेड वाज लेफ्ट सडनली एंड परमानेंटली विद मटेरियली लोअर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस and relatively few attractive new investment opportunities. Unfortunately, there was no way to replace the founder's contributions to the firm. Previously, Chandra Limited found it necessary to plow back most of its earnings to finance growth, which averaged 12% per year. तो हम लोग को एक growth rate दिया है 12%, ठीक है. Future growth at a 5% rate is considered realistic. मतलब ये हम लोग का पास्ट का है, अब फ्यूचर का जो जी है वो है 5%, बट दैट लेवल वुड कॉल फॉर एन इंक्रीज इन द डिविडेंड पे आउट, ठीक है, इसके लिए हम लोग को इंक्रीज इन डिविडेंड पे आउट, ठीक है। फर्दर इट नाउ अपियर्स दैट न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स विद एटलीस्ट 14% रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय चंद्रा शेयर होल्डर्स, मतलब हम लोग को के ही दे दिया है 14%, वुड अमाउंट टू ओनली 8 लाख फॉर 2017 इन कंपैरिजन टू अ प्रोजेक्टेड 20 लाख ऑफ नेट इनकम। ठीक है, इफ द एग्जिस्टिंग 20% डिविडेंड पे आउट वेर कंटिन्यूड रिटेन्ड अर्निंग्स वुड बी 16 lakh in 2017, but as noted, investments that yield the 14% cost of capital would amount to only 8 lakh. ठीक है. One encouraging thing is that the high earnings from existing assets are expected to continue and net income of 20 lakh is still expected for 2017. ठीक है, मैंने 20 लाख में 14% कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब 14% रिटर्न देने वाला जो इन्वेस्टमेंट है वो खाली 8 लाख का ही है। गिवन द ड्रामेटिकली चेंज सर्कमस्टेंसेस चंद्रास बोर्ड इज रिव्यूइंग द फर्म्स डिविडेंड पॉलिसी, फर्म का जो डिविडेंड पॉलिसी है उसको हम लोग को रिन्यू करके देना है। अज्यूमिंग दैट द एक्सेप्टेबल 2017 इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स वुड बी फाइनेंस्ड एंटायरली बाय अर्निंग्स रिटेन्ड ड्यूरिंग द ईयर, कैलकुलेट डीपीएस इन 2017 अज्यूमिंग दैट चंद्रा यूजेस इट्स रेसिडुअल पेमेंट पॉलिसी, व्हाट पेआउट रेशियो डज योर आंसर टू पार्ट ए इंप्लाई फॉर 2017, ठीक है। इसके बाद में अब हम लोग को अलग अलग दिया है, तो चलिए हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो एक हल्का सा एक इनकम टाइप का कुछ बनाते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में बनेगा हमारा पर्टिकुलर्स
फिर बनेगा रुपीस का कॉलम। तो पर्टिकुलर्स में हमारे पास है प्रोजेक्टेड नेट इनकम, प्रोजेक्टेड नेट इनकम कितना है? 20 लाख का। देखो मैं वो लाइन फिर से पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। दो लाख शेयर है, अर्निंग है 20 लाख का, तो ईपीएस कितना हो गया? 10 पर शेयर। बोलता है फर्दर, मैं आपको लिए पढ़ रहा हूं थर्ड पैरा। फर्दर इट नाउ अपियर्स दैट न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स विद एटलीस्ट 14% रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय चंद्रा शेयर होल्डर्स वुड अमाउंट टू ओनली 8 लाख फॉर 2017 इन कंपेरिजन टू अ प्रोजेक्टेड 20 लाख ऑफ नेट इनकम। इफ द एग्जिस्टिंग 20% डिविडेंड पे आउट वेर कंटिन्यूड, रिटेन्ड अर्निंग्स वुड बी 16 लाख इन 2017, बट एज नोटेड इन्वेस्टमेंट दैट ईल्ड द 14% कॉस्ट ऑफ कैपिटल वुड अमाउंट टू ओनली 8 लाख। मैंने बोलने का मतलब क्या है, 20 लाख में अगर हम लोग 20% डिविडेंड देंगे, मतलब 4 लाख का डिविडेंड दे देंगे, तो अपना बच गया कितना? रिटेन्ड अर्निंग्स अपना 16 लाख का बच गया। तो 16 लाख जो बच गया उसको लेके करेंगे क्या? क्योंकि प्रॉफिटेबल जो 14% का जो इन्वेस्टमेंट है वो तो खाली 8 लाख का ही है, इसलिए अपने से न्यू डिविडेंड पे आउट वो लोग मांग रहे हैं। ठीक है, अब बोलता है रेसिडुअल अप्रोच में चलो, तो जो इन्वेस्टमेंट करना है कर दो, बाकी सब डिविडेंड की तरह बांट दो। तो प्रोजेक्टेड नेट इनकम से हम लोग माइनस करेंगे प्रोजेक्टेड कैपेक्स, तो कैपेक्स तो मैं कर पाऊंगा 8 लाख का ही, तो इससे मेरा जो मेरा रेसिडुअल अर्निंग्स है, रेसिडुअल अर्निंग्स है वो मेरा आ जाएगा 12 लाख का। मेरा जो रेसिडुअल अर्निंग्स है वो आ जाएगा मेरा 12 लाख का। उसके बाद में शेयर्स आउटस्टैंडिंग इज 2 लाख, शेयर्स आउटस्टैंडिंग इज 2 लाख, तो मेरा जो डीपीएस है वो कितना आ जाएगा? 12 लाख डिवाइड 2 लाख, विच इज ₹6। मेरा जो ईपीएस है वो कितना है? ईपीएस कैसे आएगा मेरा? 20 लाख का मेरा इनकम है प्रोजेक्टेड, उसको डिवाइड करेंगे 2 लाख शेयर से, तब मेरा कितना आ जाएगा? 10। देयर फॉर द न्यू डीपी रेशियो, देयर फॉर द न्यू डीपी रेशियो इज वॉट? 60%। 60% कैसे? 6/10। तो मेरा जो नया डीपी रेशियो है वो कितना आ गया? 60%। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया पहला दोनों पार्ट्स। अब आइए पार्ट सी में, पार्ट सी और डी पढ़ते हैं। इफ अ 60% पे आउट रेशियो इज अडॉप्टेड एंड मेंटेन फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर, वॉट इज योर एस्टिमेट ऑफ द प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर? हाउ डज दिस कंपेयर विद द मार्केट प्राइस दैट शुड हैव प्रिवेल्ड अंडर द अजम्पशंस एग्जिस्टिंग जस्ट बिफोर न्यूज अबाउट द फाउंडर्स रिटायरमेंट? इफ द टू वैल्यूज ऑफ पी जीरो आर डिफरेंट, कमेंट। ठीक है, वॉट वुड हैपन टू द प्राइस ऑफ द शेयर इफ द ओल्ड 20% पे आउट रेशियो वेयर कंटिन्यूड? अज्यूम दैट इफ दिस पे आउट इज मेंटेन्ड द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन द रिटेन्ड अर्निंग्स विल फॉल टू 7.5% एंड द न्यू ग्रोथ रेट विल बी, दिया हुआ हम लोग को 6%, लाइक रिटेंशन रेशियो इंटू योर रेट ऑफ रिटर्न, तो अपना आ जाएगा ग्रोथ रेट 6% का। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ। अब मैं करूंगा सी और डी मिला के, तो एंसर्स टू सी एंड डी बोथ। तो लिखना कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन ऑफ मार्केट प्राइस इन डिफरेंट सिचुएशंस, कंप्यूटेशन ऑफ मार्केट प्राइस इन डिफरेंट सिचुएशंस, इन डिफरेंट सिचुएशंस। इन डिफरेंट सिचुएशंस, तो पहला हम लोग को क्या दिया है? केस
के दिया है 14%, जी दिया है 5%, और हम लोग को बी दिया है 60%। ठीक है, इफ 60% पे आउट रेशियो इज अडॉप्टेड एंड मेंटेन्ड फॉर दी, मैं वह क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूं, इफ 60% पे आउट रेशियो इज अडॉप्टेड एंड मेंटेन्ड फॉर दी फोर्सिएबल फ्यूचर, व्हाट इज योर एस्टिमेट ऑफ द प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर। ठीक है, अच्छा उसके मरने से पहले कितना का था? प्रीवियसली चंद्रा लिमिटेड फाउंड इट नेसेसरी टू प्लॉ बैक मोस्ट ऑफ इट्स अर्निंग्स टू फाइनेंस ग्रोथ विच एवरेज 12% पर ईयर। ठीक है, तो ग्रोथ पहले कितना था? 12%। फ्यूचर ग्रोथ एट अ 5% रेट इज कंसिडर्ड रियलिस्टिक, बट दैट लेवल कुड वुड कॉल फॉर एन इंक्रीज इन द डिविडेंड पे आउट। ठीक है, फर्दर इट नाउ अपियर्स दैट द न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स विथ एटलीस्ट 1 मिनट, ये बी नहीं होगा, ये गलत है, ये होगा मेरा डीपी रेशियो, दिस इज माय डिविडेंड पे आउट रेशियो, डीपी रेशियो मेरा 60% है। ये एक केस हुआ। ठीक है, अब बोलना बात है, हाउ डज दिस कंपेयर विद द मार्केट प्राइस दैट शुड हैव प्रिवेल्ड अंडर द एजम्पशंस एग्जिस्टिंग जस्ट बिफोर न्यूज अबाउट द फाउंडर्स रिटायरमेंट। मतलब फाउंडर का जो रिटायरमेंट है उसके पहले मेरा ग्रोथ कितना था? 12% था। तो इसमें बाकी सब चीज तो सेम रहेगा, बस खाली मेरा जो ग्रोथ है वो कितना हो जाएगा? 12% का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फाउंडर के रिटायरमेंट के पहले तुम्हारा जो पे आउट रेशियो था वो आई गेस 60% नहीं था, वो 20% था। इन्होंने कहीं पर दिया है, ये रहा, ये रहा, इफ द एग्जिस्टिंग 20% डिविडेंड पे आउट वर कंटिन्यूड, इसका मतलब क्या है? ये तो तुम्हारा हो गया आफ्टर रिटायरमेंट न्यूज, आफ्टर रिटायरमेंट हो गया। अब बिफोर रिटायरमेंट क्या होगा? देखो बिफोर रिटायरमेंट के लिए हम लोग का जो केई है, केई वो तो हो गया 14%, और हम लोग का जो ग्रोथ हो गया वो हो गया 12%, और हम लोग का जो डीपी रेशियो है, डीपी रेशियो वो कितना था? 20%, बिकॉज बोला इफ द एग्जिस्टिंग 20% डिविडेंड पे आउट रेशियो इज मेंटेन्ड। तो ये एक हम लोग का सिनेरियो हो गया। और एक क्या बोला इन्होंने, व्हाट वुड हैपन टू द प्राइस ऑफ द शेयर इफ द ओल्ड 20% पे आउट वेर कंटिन्यूड। तो एक और हम लोग को बोला है, दिस इज केस थ्री। तो केस थ्री में हम लोग का जो डीपी रेशियो है वो बोला है 20%। अज्यूम दैट इफ दिस पे आउट इज मेंटेन्ड द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन द रिटेन्ड अर्निंग्स विल फॉल टू 7.5%। मतलब ये हमको दे दिया आरओआई, विच इज आर, जैसे हम लोग ग्रोथ रेट निकालते हैं ना, तो ग्रोथ कैसे निकालते हैं? बी इंटू आर करके। तो बी इज द रिटेंशन रेशियो, मैंने भूल से वहां पर बी लिख दिया था, वो बी नहीं होगा, वो डिविडेंड पे आउट होगा, बी इज द रिटेंशन रेशियो। ठीक है, तो अगर मान लो 20% पे आउट हो रहा है तो रिटेंशन रेशियो कितना हो जाएगा? 0.8। एंड हम लोग को बोला है रिटेन्ड अर्निंग्स का जो हमारा आरओआई है वो हो जाएगा 7.5%, तो 0.075। ठीक है, तो ये हमारा आएगा 6%, ये हमारा आएगा 6%। एंड द न्यू ग्रोथ रेट, तो ग्रोथ रेट तो दोनों हम लोग को निकाल के दे ही दिया 6% का, और हमारा के ई तो सेम ही रहेगा, हमारा के ई तो 14% ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। तो तीनों केस हम लोग को दे दिया है, बोला तीनों केस में क्या निकालो? एमपीएस निकालो। तो तीनों केस में हम लोग को एमपीएस निकाल के दिखाना है।
अच्छा एक और बात है, जैसे पहले वाले केस में इफ 60% पे आउट रेशियो इज अडॉप्टेड, तो अभी ये वाला जो केस है तो आफ्टर रिटायरमेंट का है ना, तो इस केस में मेरा जो डी वन है, डी वन वो कितना है, डी वन बाई के ई माइनस जी होता है ना फॉर्मूला, तो पहले वाले केस में मेरा जो डी वन है वो है 6 का, क्योंकि वो जो रेसिडुअल अर्निंग्स अप्रोच जो अपने किए थे ना उसमें अपना जो ये देखो अपना ये जो डीपीएस आ रहा है ये कितना आ रहा है, तो अपना 6 का आ रहा है ना, तो 6/0.14 - 0.05 ये अपना पहला केस हुआ। इसका आंसर प्लीज बताना कितना आ रहा है, इसका आंसर प्लीज बताना कितना आ रहा है, इसका आंसर आएगा 66.67, 66.67। दूसरे वाले केस में बिफोर, अच्छा बिफोर वाले में अगर अपना जो ईपीएस है, जैसे यहां पर तो डीपी रेशियो 20% है ना, तो ईपीएस था 10 का, तो 10 का 20% कितना हो गया 2, तो 2/0.14 - 0.0, अच्छा इसमें ग्रोथ रेट कितना है, 12% का है, ओके जीरो पॉइंट वन टू ठीक है। एक और केस है जिसमें बोला ग्रोथ रेट 6% का है, तो यहां पर हम लोग को करना पड़ेगा 2/0.14 - ग्रोथ है 6% का, तो 0.06, तो इसको सॉल्व करना और इसको भी सॉल्व करना, अब बताना कितना आ रहा है। हल्का सम ट्रिकी है बट ऐसा सम एग्जाम में आ सकता है, ये एक मिसेलेनियस सम हो गया, ये एक मिससेलेनियस सम हो गया। प्लीज तीनों कैलकुलेट करिए और बताइए कितना आ रहा है, उसके बाद मैं आपको कमेंट लिखवाऊंगा, तीनों कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। पहला वाला आ रहा है 66.67, उसके बाद आ रहा है 100, और फिर आ रहा है 25। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ सी एंड डी में, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ के आपको समझा रहा हूँ ठीक है। देखो सबसे पहले बोला है इफ 60% पे आउट रेशियो इज अडॉप्टेड एंड मेंटेन फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर, व्हाट इज योर एस्टिमेट ऑफ द प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर, तो प्रेजेंट में तो वो छोड़ चुका है, तो अगर वो छोड़ चुका है, अगर वो छोड़ चुका है तो अपना जो ग्रोथ है वो कितना होगा, 5% का होगा, के ई सब में कॉन्स्टेंट है, के ई तो उन्होंने बोल दिया 14% का है, तो के ई में छेड़छाड़ नहीं है। अगर मान लो प्रेजेंट का बात कर रहे हैं तो वो छोड़ चुका है, और अगर वो छोड़ चुका है तो ग्रोथ कितना है, 5% का, और हम लोग का जो डीपी रेशियो है वो 60% का है, ये बोल दिया। उसके बाद में उसके छोड़ने के पहले ग्रोथ कितना था, देखो वो पूछा है हाउ डज दिस कंपेयर विद द मार्केट प्राइस दैट शुड हैव प्रिवेल्ड अंडर द अजम्पशंस एग्जिस्टिंग जस्ट बिफोर न्यूज अबाउट द फाउंडर्स रिटायरमेंट, तो उसके पहले क्या था, हमारा ग्रोथ था 12% का, और हम लोग को क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया उन्होंने कि इफ द एग्जिस्टिंग 20% डिविडेंड पे आउट वर कंटिन्यूड, तो एग्जिस्टिंग 20% डिविडेंड पे आउट वर कंटिन्यूड ठीक है ओके। फिर बोला है व्हाट वुड हैपन टू द प्राइस ऑफ द शेयर इफ द ओल्ड 20% पे आउट वर कंटिन्यूड, अज्यूम दैट इफ दिस पे आउट इज मेंटेन्ड द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन द रिटेन्ड अर्निंग्स विल फॉल टू 7.5%, तो बी इंटू आर वेर बी इज द रिटेंशन रेशियो, वॉट इज रिटेंशन रेशियो, 1 - पे आउट रेशियो, मैंने यहां पर भूल से बी लिख दिया था, आई होप सो आप लोगों ने ठीक कर लिया है, ये डीपी रेशियो है बी नहीं है, एक रिलेशनशिप आप लोग सबको पता होना चाहिए कि 1 - बी इज इक्वल टू डीपी रेशियो, या फिर 1 - पे आउट या फिर डीपी रेशियो इज इक्वल टू बी, अगर 60% मेरा पे आउट है तो रिटेंशन कितना है बी, एंड बी इज रिटेंशन रेशियो, तो ग्रोथ का जो फॉर्मूला है, ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है, जी इज इक्वल टू बी इंटू आर दैट इज 6% ठीक है, तो 0.8 × 0.075 बिकॉज उन्होंने बोला रिटेन्ड अर्निंग्स में हमारा जो रिटर्न है वो कितना हो जाएगा 7.5% ठीक है, तो 66.67 125। अब इसका कंक्लूजन लिख लो, अब इसका कंक्लूजन लिख लो सब लोग, इसका कंक्लूजन लिख लो, ऑल्दो चंद्रा हैड सफर्ड अ सेटबैक,
although Chandra had suffered a setback, लिखवा रहा हूं लिखो, although Chandra had suffered a setback, its existing assets will continue to provide, although Chandra has suffered a setback, comma, its existing assets will continue to provide a good income stream. Its existing assets will continue to provide a good income stream. Full stop. More earnings should now be passed on to the shareholders. Next line. More earnings should now be passed to the shareholders. More earnings should now be passed on to the shareholders as the slowed SLOWED, slowed internal growth has reduced the company's need for more funds. Full stop. However, the net result is a 33% decrease. In the value of share. तो कैसे हुआ ये? जैसे उसके मरने, इसका रिटायरमेंट के पहले, या फिर मरा है रिटायर जो भी, उसके पहले था 100. अब देखो जैसे ही न्यूज आया फिर क्या हो गया, 66.67. ठीक है, तो 33% डिक्लाइन तो हुआ ही है, 33% डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स. नेक्स्ट पैरा, इफ द पे आउट, मतलब डीपी रेशियो, इफ द पे आउट वेयर कंटिन्यूड एट 20%, इफ द पे आउट वेयर कंटिन्यूड एट 20%, कमा, even after internal investment opportunities have declined, if the payout ratio were continued at 20%, अब मैं third case का बात कर रहा हूँ, if the payout ratio were continued at 20%, even after internal investment opportunities have declined, the share price will fall to 25, full stop. In such case, an increase in dividend is required. In such case, an increase in dividend is required to maximize shareholders' wealth. In such case, an increase in dividend is required. In such case, an increase in dividend is required to maximize shareholders' wealth. Full stop. The more money Chandra hai ki Chanda hai? The more money Chandra retains, the more money Chandra retains and invests, the more money Chandra retains and invests, The lower will be, आप लोग ऐसे डाउन एरो नहीं दोगे, आप लोग पूरा लोअर लिखोगे, the lower will be its ROE, which is return on equity, EPS and MPS. The lower will be its ROE, EPS and MPS. ठीक है, तो now almost this chapter is complete.
अब इसमें से और अगर मेरे को कोई कॉम्प्लेक्स सम्स मिलेगा तो मैं आपको रिवीजन जब मैं कराऊंगा पूरा सिलेबस का एफएम का, तब मैं आपको करा दूंगा। हम लोग का एमएम मॉडल जो है, एमएम मॉडल का जो थ्योरी है वो थोड़ा बहुत लेफ्ट है, तो इसमें आप लोग एक नोट बना लो अपने कॉपी के इंडेक्स में। एमएम मॉडल का जो थ्योरी है वो हल्का बच गया, तो मैं थ्योरी क्लासेस लूंगा तो उसमें मैं सारा थ्योरी को कवर अप करूंगा। और एमएम मॉडल में मेरे को एक आर्बिट्राज का सम भी आप लोगों को दिखाना है, एक आर्बिट्राज का सम दिखाना है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो एमएम मॉडल में मेरा जो थ्योरी है वो थोड़ा बहुत बच गया, जो कि मैं सोच रहा हूँ थ्योरी क्लास में एक साथ ही कवर अप करा दूंगा। मोर और लेस दिस चैप्टर इज कंप्लीट। तो अभी आप लोग इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है उसको आप लोग पूरा 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 प्रैक्टिस करिए, मेरे कॉपी को प्रैक्टिस करिए, मेरा असाइनमेंट सॉल्व कीजिए। एंड अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा जो फाइनल चैप्टर है, विच इज मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का क्लासेस अब मैं स्टार्ट करूंगा, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की जो आपकी क्लासेस है वो अब मैं स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मेजरली हमारा जो एफएम का जो सिलेबस है वो एक बार हो जाएगा। लीजिंग पे एज सच लीजिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल लीजिंग का क्वेश्चन आ सकता है, तो लीजिंग पे मैं चार पांच सम्स आप लोग को करा दूंगा ताकि आप लोग को टेस्ट मिले। वैसे लीजिंग आपने अकाउंट्स में किया होगा, बट स्टिल हम लोग एफएम में भी उसको कवर अप करेंगे, बट वो सब हम लोग रिविजन के टाइम पे करेंगे। एंड हम लोग थ्योरी का क्लास हमारा पूरा बच गया, तो हम लोग थ्योरी के अलग से क्लासेस कंडक्ट कराएंगे। तो थ्योरी बच गया है, रिविजन बच गया है, जिसमें मैं और सम्स कराऊंगा। कुछ कुछ चैप्टर्स में मैंने बहुत कम कम सम्स कराए हैं आप लोगों को, तो उस चैप्टर को जब मैं रिवाइज कराऊंगा तो हल्का फुल्का जो लेफ्ट ओवर पोर्शंस है और जो थ्योरी है एंड आपका जो रिविजन है वो सब हम लोग संग में करेंगे। बट फॉर नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट। एंड अब हम लोग का जो नेक्स्ट जो टारगेट है वो है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वो है हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो ये अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है जो हम लोग को करना है, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम एंड स्टे सेफ। ओके, थैंक यू।